ए मैं कहती हूँ जो मैं ना हूँ इस घर में तो सब चौपट हो जाए। लाडो मस्तानी, मैं तेरी सारी बकवास सुन रिया था। अरे अरे जी, मैं तो आई के कैसा तुम कनपटी पे के औलाद भी गंजी पैदा हो। फिर मैंने छोड़ो, सुबह सुबह ही औरत जात पे क्या हाथ उठाना। बड़ा आया हाथ उठाने वाला, वो सुबह के बात करियो, सुबह ही सुबह कह देती हूँ। और मैं कहती हूँ इतनी देर से जो मैं चीख रही हूँ तो मुँह में गुमिया डाल के क्यों खड़ा रहा। इतनी देर से चीख रही हूँ तो वक्त हो गया, मगर नवाब का जाता है के चुपके से सुने जा रहा है। इतना नहीं हो सका कि दो नबज मुँह से फूटे। अरे पक्के ही जाएगी मंडू की या किसी की सुनेगी भी। अरे जद से खड़ा सोच रही हूँ कि अब खामोश होगी, अब खामोश होगी, मगर तू है कि नदी की तरह चले जा रही है। ओ अरे भगवान, मैं तो पैर से खड़ा वहां पानी भर रिया था। अरे क्यों झूठ बोल रहे, कुछ तो खुदा का खौफ कर। भला मुझे क्या पड़ी है कि तुझे जगावा। मेरी बला से चाहे दिन भर मुंह में मक्खियां उड़ती रहे, मैं तो तेरे भले के लिए रोज गला फाड़ती हूँ। मेरे क्या रे नसीबन, आज तक तो तेरा गला फटा नहीं बल्कि ढोलक की तरह सुबह शाम बोलने से और भी तेज हो जावे है। चाहता है कि मेरा गला घोटे, जबी तो इस वीराने में ले आया मुझे। अरे पगली, ओ ये क्या वीराना है। अरे ऐसा नजारा तुझे शहर में मिलेगा कहीं। बस तू तो इस नजारे को तर है, मैं कहूँ तरा क्या है इस नजारे में। अल्लाह मारी मनुष्य को, तू लुटती है सारा दिन इन सूखे टीलों पे, तिनका तक नहीं उगता। लोग पानी को तरसते हैं, अल्लाह का मारा दरिया का किनारा होते हुए भी पीने को बूंद तक नहीं मिलती पानी की। ये देखे यही एक कुआं है सारे इलाके में, गिनती के चार गांव है और वो भी यहाँ से दो चार मील पर है। मैं पूछूं कौन सी चीज है इसमें नजारे वाली। अरे बस रही ना वही सक्के की। अरे तुझे क्या मालूम नजारा किसे कहते हैं। अरे नसीबन हमारी तरफ देख, हमने शहर शहर का पानी पिया है। अरे अपने मुल्क दिल्ली में कसम ईमान की ओ ऐसकी है कि क्या करेगा कोई। अरे रोज शाम को यारों के संग शाही मस्जिद घुमा करते थे, फिर निजामुद्दीन की सैल को जाते थे, हर कोई इज्जत करता था। अरे की न हो तो किसी से पूछ लो। अरे बाग वालों की सैल में वो कटोरे बजाए कि बड़े बड़े नवाब खड़े देखा करते थे और क्या करते थे। जाम जीता रहे क्या कहने प्यारे। लेकिन फिर कुछ वजूहात की बिना पर हम दिल्ली छोड़कर इस जगह आ गए। वाह वाह, अच्छी जगह तलाश की। मैं तुझसे पूछूं तुझसे क्या किसने था कि इस उजाड़ बस्ती में ठिकाना कर ले। अरे पगली ये क्या उजाड़ बस्ती है, और तू तो अंधी है अंधी। अरे ही तो ऐसा नजारा है जिसे मुगल बादशाह भी देखने को तरसते हैं। हाँ मुगल बादशाह। अरे वो देख दरिया बह रही है और उससे बाहर सुनहरी टीले। अरे सुनहरी टीले लेके आया है, धूल उड़ती है सारा दिन इन पर। अरे कम मगल, इन पे धूल न उड़ती तो हमारे सक्के की कदर कैसे होती। भला क्या कदर हो रही है तेरी,
जानू कौन सा खजाना लेके आता है रोज शाम को। अरे बस तू तो चाहे तेरी झोली भरती रहे। झोली बड़ा आया झोली बनने वाला। देख लो जी यहाँ टके टके के मोहताज हैं। और मैं कहती हूँ वो जो गांव का मुखिया है उसने कितने महीने से पैसे नहीं दिए, तो उसे कहता क्यों नहीं के पैसे दे। अरे वो तो आज ही दे दे सारे पैसे। तो क्या सोच रहे तू? अबे सोचना क्या है, मैंने मांगा ही नहीं, सोचता हूँ क्या कहूँ, शर्म आती है। और नहीं तो कसम ईमान की आज मांगू तो आज ही दे दे सारे पैसे, मगर कोई जरूरत भी तो होना। वाह बड़ा नवाब, तो देख जरूरत आई। क्या समझती है तू? हाँ अरे इलाके के सभी लोग इज्जत करते हैं, अपनी मोहब्बत से बुलाते हैं। भाई नजाम कैसे हो, माँ कभी मिलते नहीं। हाँ अरे क्या समझाए तूने? अरे हम नजाम है नजाम, हमारा तो नाम ही मुगल बादशाह से है। हाँ क्या कहने नाम के, सुभान अल्लाह, नाम के बादशाह और काम के ठन ठन गोपाल। अरे तुझे क्या मालूम नसीबन। अरे देखियो मैंने एक दफा दिल्ली में जोशी को हाथ दिखाया था। अच्छा जोशी को हाथ दिखाया था तो हाथ भी कब इसने? तो और क्या, मैं सही राम से ना बकरे हूँ। तो क्या क्या जोशी ने? अरे इसने जो हमारा हाथ देखा तो कसम ईमान की पांचों उंगलियां मुंह में लेके रह गया। अरे ऐसे खामोश हो गया जैसे जब्बा न मुंह में। कहता क्या था ये भी तो बोल। अरे कहता था अल्लाह कसम हाथ में बादशाही का सितारा है। अरे कसम ईमान की वो इस तरह उनकी याद करेगी किसी से मेल हुआ था। चल बड़ी होली बात साथ, अब खोल ले आके और उठा अपनी मसक। अरे करे तुम मजाक मंडो किया, फिर देख लीजिए कसम उड़ान चल लेगी।